अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, ये छोटा सा एक डेमो है बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने चूज़ किया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। अभी तक जो मैंने सॉफ्टवेयर देखे उनमें से मुझे ये बेहतर लगा। माइट पॉसिबल इससे बेहतर भी कुछ सॉफ्टवेयर होंगे। अगर आपको मिले तो आप मुझे ज़रूर रेफर करें, मैं उसका भी एक डेमो आपको बना के दे सकता हूँ। ठीक है, उसमें क्या है कि ये सॉफ्टवेयर को किस तरह से चलाना है और किस तरह से थोड़ी सी वर्किंग होगी इसके बारे में भी हम करता हूँ, फिर उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। सबसे पहले क्या मैं जब आप ये मैंने इसकी स्क्रीनशॉट इसलिए ली है कि क्योंकि ये रिकॉर्डिंग से पहले के सारे स्टेप्स, इनको रिकॉर्ड करने के लिए एक और स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए था तो वो मैंने यूज़ नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें क्या करना है, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, छोटी सी। और आपने सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है तो इससे क्या होगा, स्क्रीन फुल हो जाएगी। जब आपको पहले नज़र आएगा तो आपको छोटी स्क्रीन, ये हाफ स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ से आपने क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन, फर्स्ट स्टेप आपने ये काम करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ से जाके ऑप्शंस में क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा कि यहाँ पे आ रहा होगा शो रिकॉर्डिंग टूल बार, ये क्लिक हुआ होगा। आपने इसको दोबारा क्लिक करके अनचेक कर देना, ये जो टिक लगा हुआ ये ख़त्म कर देना है आपने। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे जो टिक लगा हुआ ख़त्म हो जाएगा। अगर ये आप नहीं करते तो उससे क्या होगा, जब आपकी रिकॉर्डिंग चल रही होगी तो नीचे वाला टूल बार, ये जो टूल बार है ये पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान नज़र आता रहेगा, ठीक है। तो ये कोई अच्छी वीडियो की अलामत नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से उसको अनचेक करना है, उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद एक और ऑप्शन आपसे पूछेंगे शॉर्टकट की, इसकी उसमें आपने नो कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे रेलिवेंट नहीं है कि शॉर्टकट की चेंज करें, वो आपको ज़रूरत भी नहीं, वो नो कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से इस बटन से रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आप कोशिश करें जो आपने स्लाइड्स बनाई हैं उनको पहले ही ओपन करके रखें, ठीक है, और उसको फुल स्क्रीन कर लें बेशक, या आप बाद में भी ओपन कर सकते हैं। तो आप अपनी जो वीडियो है उसके शुरू के 5 या 10 सेकेंड जो ओपनिंग में लगे हैं उनको आप कट कर दें। मिसाल के तौर पर यहाँ से अब मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या, आप इसको मैं ये सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ये सारा वीडियोस चलती जा रही है और आप एक्सप्लेन करते जाएंगे और साथ साथ जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते जाएंगे ये मैं बिल्कुल लाइव कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने रिकॉर्डिंग पहले कर ली है और ये स्लाइड्स बाद में चला रहा हूँ, नहीं, बल्कि मैं स्लाइड साथ साथ मूव करते जा रहा हूँ और साथ साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने बस कोई भी टॉपिक आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जिस तरह से वीडियो कॉन्टेंट का आज बताया गया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, या आपने कोई आपने साइंस का टॉपिक एक्सप्लेन करना है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि मज़ीद आपके जो फर्दर क्वेश्चन होंगे आप वो मुझे इनबॉक्स कर दें, उनके बारे में भी आपको मैं फर्दर बताता रहूँगा। एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ से ये बात एक मिस हो गई थी, ये देख लें, यहाँ पर माइक पर जाएँगे आप, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने माइक्रोफोन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, वरना वो स्क्रीन की आवाज़ आएगी आपकी आवाज़ नहीं आएगी। इस पर क्लिक करेंगे एक छोटा सा मेन्यू ओपन होगा, वहाँ पे आपने माइक्रोफोन को सिलेक्ट करना है, फिर आपके जो हैंड फ्री होगी उसकी आवाज़ सही से आने लग पड़ेगी, ठीक है। अब स्क्रीन का लास्ट स्टेप, यहाँ से आप क्लिक करें, यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं जिस तरह के मैंने शुरू में दिखाया था, लेकिन वो मेरे कीबोर्ड में शायद वर्किंग नहीं कर रही इसलिए मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ। यहाँ पे इसकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं, ये आपको जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये शो हो जाएगा, जिससे मैं बता रहा है कि पॉज करना है तो उसके लिए ये वाली शॉर्टकट की है, अगर आपने स्टॉप करनी है रिकॉर्डिंग तो उसके लिए ये शॉर्टकट की है, ताकि कोई स्क्रीन आपकी ख़राब ना हो। लेकिन अगर आपके पास शॉर्टकट की नहीं चल रही तो आप यहाँ पर जाएँ, ठीक है, और यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से इसको जैसे ही स्टॉप करेंगे आपकी वीडियो स्टॉप हो जाएगी। एक और चीज़, लेट से आपने ये स्लाइड सारी बना ली है, आप कोई और स्लाइड ऐड कर लेते हैं इसमें, न्यू स्लाइड, आप इसमें कोई वीडियो वगैरह ऐड करना चाहते हैं या कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं, उर्दू वाली टीचर ने पूछा था, उसके लिए है कि आप यहाँ पर ये एक सॉफ्टवेयर होता है इंग्लिश उर्दू का, आप ये चेंज करके आप यहाँ उर्दू में नाम लिख सकते हैं, उर्दू में टाइपिंग कर सकते हैं सारा कुछ,
ठीक है। उसके अलावा क्या है, आपने कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रही हैं, वरना यहाँ पे इंसर्ट में जाके ये पिक्चर की ऑप्शन है। अगर आपने पिक्चर ऐड करनी है, मिसाल के तौर पर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे पिक्चर पड़ी है उसका एड्रेस उसको लोकेट करें और वहाँ पर क्लिक करें तो वो पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई वीडियो वगैरह ऐड करनी है तो आप यहीं इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में करके मूवी वगैरह होगी, आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। आप जहाँ पे आपकी कोई मूवी वगैरह पड़ी हुई है, लेट्स से ये साइंस की एक मूवी है, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं ऑटोमेटिकली चलानी है या ऑन क्लिक चलानी है, आपकी मर्जी है। वैन क्लिक पर होगा कि जैसे ही स्लाइड लोड होगी तो वीडियो नहीं चलेगी जब तक आप क्लिक नहीं करें, ऑटोमेटिकली जैसे स्लाइड लोड होगी चल जाएगी, जिस तरह मैंने वन क्लिक पे किया है, ठीक है। और अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ, अब मैं इसके बाद क्लिक करूँगा तो ये वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वीडियो का साउंड नहीं आएगा, आपको जाके चेंज करना पड़ेगा वहाँ से। और किसी किस्म में कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह छोटी छोटी वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा, उससे आपको सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये सॉफ्टवेयर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हुए 2-3 सॉफ्टवेयर को और भी डाउनलोड करवाता है एक्स्ट्रा, तो वो भी आप साथ डाउनलोड कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अल्लाह। ये जो शुरू और स्टार्ट और एंड है, ये जब हमें दूसरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर करेंगे उसमें हम इसके स्टार्ट को और एंड को कट कर लेंगे, ठीक है। शुरू में अगर आप मुझे खुद भी वीडियो भेजें तो वो मैं खुद भी कट कर लूँगा, बाद में मैं आपको सॉफ्टवेयर भी उसका भी डेमो दे दूँगा कि किस तरह से आपने स्टार्ट में, एंड में, या शुरू से, या सेंटर से, कहीं से वीडियो का कोई पार्ट कट करना है तो वो किस तरह से करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।